बेटे और साले से पूछताछ के बीच और बड़ी मुख्तार की मुश्किलें, कंपनी के पूर्व मालिकों को ईडी का समन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्करना और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ गई है। ईडी ने मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन के पूर्व मालिकों को समन भेजा है। ईडी ने समन भेजकर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के पूर्व मालिकों ने मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों पर साजिश करके कंपनी हड़पने का आरोप लगाया था। ईडी अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। पूर्वांचल के रविंद्र मंसूर आलम और वैश खान ने आरोप लगाया था कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी उन्होंने बनाई थी। इस कंपनी में उनके परिवार के लोग जुड़े थे और लाखों रुपए निवेश कर कंपनी को संचालित कर रहे थे। कुछ साल पहले मुख्तार और उनके गुर्गों ने धमकी देकर कंपनी हड़प ली। मुख्तार के साले सर्जिल रजा ने कंपनी में घुसपैठ कर संस्थापक सदस्यों को बाहर कर दिया, लेकिन कागजात उन्हीं के नाम पर थे। धीरे धीरे विकास कंस्ट्रक्शन मुख्तार की पत्नी आशफा अंसारी और साले सर्जिल रजा के नाम हो गई, बाकी सदस्य सिर्फ नाम के रह गए। कुछ सदस्यों ने मुख्तार के डर से पहले ही कंपनी से दूरी बना ली थी। मुख्तार की इस दबंगई की ईडी से शिकायत की गई थी। इसके बाद ईडी ने मंसूर आलम, वैश खान और मदीना खातून को समन भेजकर बयान के लिए बुलाया है। इनके साक्ष्य लेकर विकास कंस्ट्रक्शन के साथ फ्रॉड करने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम कस्टडी में रखे गए विधायक अब्बास अंसारी और सर्जिल रजा से सवाल कर रही है। उनके द्वारा संतोषजनक जवाब ना देने पर लेन देन के साक्ष्य दिखाए जा रहे हैं। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सर्जिल रजा से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी दोनों के बयान दर्ज कर रही है। अब्बास अंसारी 18 नवंबर तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर है, जबकि सर्जिल रजा 15 नवंबर तक कस्टडी रिमांड पर है। ईडी सर्जिल रजा की कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए जिला कोर्ट में अर्जी भी दे सकती है। तो आपका इस पर क्या विचार है हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ट्रिगर न्यूज। धन्यवाद।